वेलकम नाजरीन। तो आज हम हाजिर हुए हैं जी एक नई वीडियो लेकर पीर दरबार खारा शरीफ पर। तो ये एक पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। तो आइए नाजरीन चलते हैं, पीर की हाज़िरी देते हैं, उसके बाद आगे आपको सारा जो है ना इसका विज़िट करवाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहे इंशाल्लाह। मुख्तसर तारफ इनका बयान करते हैं जी। हज़रत पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह अलैह की वलादत 18वीं सदी ईस्वी के आखिर में ख़ानदान कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में हुई, जो हज़रत गौस बहावलहक की आल में से था। मुल्तान से हिजरत करके बेरा में आबाद हुए। इब्तदाई तलीम हिफ्ज़े कुरान के बाद आपने हकीकी चचा जनाब पीर जमालुद्दीन नूरी रहमतुल्लाह अलैह से सिलसिला कादरिया में बैत की और आपकी के हुक्म से बेरा से इस मकाम पर मुंतकिल हुए, जिसे आज पीर खारा शरीफ कहा जाता है। आप अपनी ज़िंदगी में मुस्तक़बिल क़याम आपने मज़ार शरीफ के जनूबी पहाड़ पर फरमाया और लोगों को जो है ना दीनी तबलीग देने लगे, जिसमें आपके दीनी तबलीग के काफ़ी लोग जो है ना फैज़याब हुए। ये तो नाजरीन पीर खारा शरीफ जो है, ये लोगों को गरीब जो लोग होते थे या इस तरह के ज़रूरतमंद लोग होते थे, उनको अपनी जो है ना अपनी तरफ से जूते और इस तरह के भी मदद फरमाते थे। तो इनका बहुत ही एक आला मकाम है और बहुत ही आला रुतबा रखने वाले वली हैं। तो नाज़रीन इसी तरह आगे चलते जाएं कि पीर हज़रत पीर मोहम्मद करम शाह का विलादत जनाब अली 23 जून 1852 में हुई। तो आपके हुक्म से इस मकाम पर आपको तदफीन किया गया। तो जनाब वाला आगे आपको बताता चलें कि रौज़ा शरीफ की तमीर जो थी वो जनाब हाफिज़ पीर सदीक शाह रहमतुल्लाह अलैह ने करवाई। तो आज भी रोज़ा मुबारक पर कसरत से लोग आते हैं और जो है ना फैज़याब भी होते हैं। तो नाज़रीन साथ साथ आपको बताते चलें कि ये आप आगे को देख सकते हैं कि सात दारुल उलूम बनाया गया है, जो कि यहाँ पे अभी भी जो है दीनी तबलीग जो है ना वो दी जाती है। तो नाज़रीन इसके साथ एक ख़ूबसूरत मस्जिद बनाई गई है, जो कि बहुत प्यारी मस्जिद है। साथ साथ पहाड़ी इलाका, ये आप देख रहे हैं पहाड़ हैं इर्द गिर्द, टोटली पहाड़ हैं। तो पहाड़ों के साथ ये बीच में एक बहुत ही ख़ूबसूरत जगह है जहाँ पे ये पीर खारा शरीफ मौजूद है। तो आगे को हम चलते हैं नाज़रीन, आगे आपको चल के इसका जो है ना हम विज़िट करवाते हैं कि जो दारुल उलूम यहाँ पे बनाया गया है उसका हम विज़िट करवाते हैं, जहाँ पे दीनी तबलीग जो है ना अभी दी जाती है। तो ये दारुल उलूम का अंदर का नज़ारा जी, यहाँ पे स्टूडेंट जो है उनकी रिहायशगाहें जो सामने आपको नज़र आ रही हैं। साथ ये खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है जिसमें नमाज अदा की जाती है और जो है ना दीनी तबलीग भी दी जाती है। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि यहाँ पे गुर्दा पथरी के लोग जो है ना, जिनको गुर्दा मसल होता है, वो लोग यहाँ पे आते हैं और जो ना असीयत याब हो के जाते हैं। तो जिन लोगों को गुर्दा पथरी वगैरह हो तो वो लोग ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें और अपना जो है ना इनसे अपना फैज़याब हूँ और आप असीयत याब भी हों। तो अल्लाह ताला इनके तुफैल आपकी जो है ना सब परेशानियों को दूर करेगा। तो ये आपको साथ साथ बताते चलें कि ये आपको रोज़ा मुबारक भी नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन कि आपको एक चिट पे लिखा गया है, गुर्दे के पथरी वाले लोग जो है ना यहाँ पे आते हैं और तवीज़ लेकर जाते हैं और पानी वगैरह लेकर जाते हैं जो कि पीते हैं और अल्लाह ताला उनको सियाजाब करता है। तो ये आपको अंदर का नज़ारा करवाते हैं। ये जो कब्रें मुबारक दूसरे रोज़े में रखी गई हैं, तो ये पीर खारा शरीफ की जो बीवी हैं उनकी ये कब्र मुबारक हैं, यहाँ पे मौजूद हैं नाजरीन। तो इनके साथ साथ ये दारुल उलूम का जो है ना पीर खारा शरीफ का बोर्ड लगा हुआ है सामने,
ये आप दरबार से ही इसमें इंटर हो सकते हैं। तो इसके आगे नादरी चलते हैं साथ, इस पे आप जगह पे आप मोटरसाइकिल वगैरह या कोई चीज़ खड़ी करनी हो तो यहाँ अंदर भी आप कर सकते हैं, जो नादरीन ज़ायरीन आने वाले हैं वो उनको परेशानी की बहस ना बन सके। तो इसी तरह नादरीन आगे चलते हैं और आगे भी आपको विज़िट करवाते हैं जो आपको पसंद आएगा। नाज़रीन आपको बताते चलें कि यहाँ पे जो है ना आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि मिट्टी के खिलौने जो बने हुए हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाए गए हैं। साथ नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि लंगर खाना जो है ना यहाँ पे लंगर खाने का एहतमाम किया जाता है, जो नाज़रीन आने वाले हैं उनको लंगर जो है ना वो खूब अंदाज में मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जनाब पीर खारा शरीफ की चिल्लागाह हम दिखाएँगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने